नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब अभी 6 घंटे के आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हुए हैं। उनका और भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई है और किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि रशिया भारत का सबसे पुराना परखा हुआ एक मित्र है। रशिया ने भारत को उस स्थिति में साथ दिया था जब अमेरिका भारत के बिल्कुल साथ नहीं था, और यहाँ तक कि बांग्लादेश के वार के वक्त तो अमेरिका ने अपने पनडुब्बियाँ वगैरह, वारशिप वगैरह इंडिया के अगेंस्ट में भेज दिया था। उस वक्त रशिया ने स्टैंड लिया और इंडिया को इस मुश्किल हालात में साथ दे करके इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाला था। तो आप ये समझ चुके होंगे कि रशिया हमारा कितना अच्छा दोस्त है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब भी भारत को लेकर के काफ़ी सीरियस रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब इस साल सिर्फ 2 ही बार अपने देश से बाहर गए हैं, जिसमें ये दूसरी बार जो है वो भारत की यात्रा पे आए हैं। अब इसी से अनुमान लगाइए कि भारत को लेकर के कितने ज़्यादा सजग रहते हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब सिर्फ 6 घंटे की यात्रा पर आए हैं। इसमें 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जो उनमें महत्वपूर्ण समझौते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। पहला वो ये है कि 10 सालों के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 से 2031 के बीच में भारत और रशिया मिल करके रक्षा संबंधी जितने भी उत्पाद हैं और नए जो खोज हैं उसमें एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दूसरा जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण डील साइन हुआ है, ये एक्चुअली में रशिया के प्रेसिडेंट के आने से कुछ समय पहले ही भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने वहाँ के जो रक्षा मंत्री है उनके साथ ये डील फाइनल किया है। वो डील है AK-203 राइफल का। ये लगभग 7.5 लाख राइफल की डील हुई है और ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक नया प्लांट बना है, उसमें ये तैयार होंगे। ये AK-203 राइफल एक्चुअल में AK-47 का ही एडवांस वर्जन है और ये काफ़ी बेहतरीन राइफल मानी जाती है। AK-47 दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले राइफल में नंबर 1 पर आता है। इसमें से 1 लाख राइफल ऑलरेडी रशिया से बन के आएंगे, बाकी के 6.5 लाख राइफल अमेठी के प्लांट में तैयार होंगे। दूसरा जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए उनमें से है कि भारत के जो एस्ट्रोनॉट फ्यूचर में अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर जो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग रशिया देगा। साथ ही चेन्नई से रशिया के व्लादिवोस्तोक तक डायरेक्ट एक बंदरगाह का नया रूट बनेगा, और इसमें यह होगा कि चेन्नई से कोई भी जो माल है वो डायरेक्ट शिप के जरिए रशिया तक जाएगा, जो अभी डायरेक्ट जाने में कई देशों से होके गुजरता था और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम और समय की बर्बादी होती थी। उसके बाद कोरोना, आतंकवाद एवं 200 कुमू हेलीकॉप्टर पर भी बात हुई है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का डील अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं, इसको लेकर के बात अटकी हुई है। लेकिन फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि रशिया इसमें कुछ, भारत और रशिया मिलकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे और ये डील भी फाइनल होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुतिन साहब के ये आधिकारिक दौरा काफ़ी सफल हुआ। इसको लेकर के पाकिस्तान और चाइना की मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो ऐसी हो चुकी कि वहाँ की इमरान सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक ISI चीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ बुला लिया है। पर बातें चाहे जो भी हो, इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों परेशान हो चुके हैं। चाइना इसलिए परेशान है क्योंकि रशिया अब इंडिया के फिर से काफ़ी करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।